दिल्ली से सटे गुरुग्राम के नाइट क्लब में बाउंसर्स की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, एक शख्स की बाउंसर्स ने की पिटाई। गुरुग्राम के कासा डांजा नाइट क्लब में 7 और 8 अगस्त की दरमियानी रात की घटना, एक महिला के साथ नाइट क्लब में बदसलूकी हुई। नाइट क्लब में बाउंसर्स की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई, FIR किया दर्ज। पीड़ित महिला और उसके दोस्त का आरोप, बाउंसर्स ने 10,000 रुपए और घड़ी भी छीन ली। पुलिस ने 6 बाउंसर्स को किया गिरफ्तार, क्लब के मैनेजर लोकेश भी पुलिस की गिरफ्त में। क्लब के मैनेजर लोकेश ने बाउंसर्स द्वारा महिला के साथ छेड़खानी से इनकार किया, कहा कि बाउंसर्स ने झगड़े की शुरुआत नहीं की। यूपी के हरदोई में ईमा चौक मोहल्ले में 2 समुदाय के बीच पथराव, कुछ मुस्लिम युवकों पर पड़ोसी पर हमला करने का आरोप। पीड़ित हिंदू परिवार का आरोप, तिरंगा यात्रा में शामिल होने पर मुस्लिम युवकों ने किया हमला, तमंचा लेकर घर में घुसे। पीड़ित परिवार के मुताबिक घर में मौजूद महिलाओं के साथ की बदसलूकी, तमंचे से फायर करने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने पूरी घटना को 2 समुदाय के बीच झड़प बताया, तिरंगा यात्रा से किसी तरह का संबंध होने से इनकार किया। ईमा चौक मोहल्ले में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी। कानपुर में तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़े, जमकर चले लात और घुसे। मोतीझील इलाके में तिरंगा यात्रा के कार्यकर्ताओं में किसी बात पर विवाद हो गया था, वीडियो हुआ वायरल। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, कार्यकर्ताओं ने तोड़े बैरिकेड, 2 के खिलाफ FIR। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य बुधवार को मंदिर में दर्शन करने आए थे, तेजस्वी से मिलने भारी संख्या में कार्यकर्ता मंदिर परिसर में जमा हुए। मंदिर के गार्ड्स के रोकने पर कार्यकर्ता भड़के, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करते हुए नंदी हॉल में घुसकर हंगामा किया। यूपी के अमरोहा की गौशाला में 61 गायों की मौत मामले में 11 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी ताहिर भी पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस ने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जहर से हुई गायों की मौत, FSL रिपोर्ट का इंतजार। बिहार के जमुई में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या, सिर, छाती और पीठ में मारी गई 3 गोलियां। पुलिस ने हत्या की वजह आपसी विवाद बताया, आरोपियों की तलाश अभी जारी। बिहार विधानसभा का 24 और 25 अगस्त को होगा विशेष सत्र, 24 अगस्त को सदन में फ्लोर टेस्ट होगा। नीतीश सरकार में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला करीब करीब तय, RJD से 16, JDU से 13 और कांग्रेस से 4 मंत्री बन सकते हैं। JDU से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, उपेंद्र कुशवाहा, संजय झा बन सकते हैं मंत्री, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार के नाम भी संभावित लिस्ट में। RJD से तेज प्रताप, आलोक मेहता बन सकते हैं मंत्री, शाहनवाज, ललित यादव, सुनील सिंह, अनिता देवी के नाम भी संभावित लिस्ट में। कांग्रेस से अजय शर्मा, मदन मोहन झा, शकील अहमद बन सकते हैं मंत्री, हम से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन का नाम। 2024 में पीएम मोदी को नीतीश का सीधा चैलेंज, कहा कि हम रहे ना रहे, जो 2014 में आए थे वो 2024 में नहीं रहेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी सांप्रदायिक तनाव फैला रही थी, ऐसे वक्त में सीएम नीतीश ने सही फैसला लिया। नीतीश कुमार पर सुशील मोदी का बड़ा खुलासा, कहा कि उपराष्ट्रपति पद ना देने पर NDA छोड़ तेजस्वी का हाथ थामा। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को बताया दिखावे का मुख्यमंत्री, असली कमान तेजस्वी यादव के पास होगी। JDU अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, नीतीश कुमार 2020 में CM नहीं बनना चाहते थे लेकिन बीजेपी ने उन्हें जबरदस्ती CM बनाया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को बताया सांप, कहा सांप बनकर बिहार की जनता को डस रहे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर तंज, झारखंड सरकार गिराने वाले थे, खुद की सरकार डूब गई। शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश कुमार की तारीफ की, कहा अब बिहार बेहतरी की ओर जाएगा। महाराष्ट्र में पोर्टफोलियो बंटवारे पर अभी लग सकता है वक्त, विभागों के बंटवारे के बाद ना हो मतभेद, इसलिए हो रहा है मंथन। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने कहा मंत्रियों में विभागों के बंटवारों पर आज दे सकते हैं जानकारी। 14 अगस्त से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र, 25 अगस्त तक चलेगा। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने बुधवार को किया सरकारी आवास, वर्षा का दौरा, आवास में चल रहे रिनोवेशन के काम का जायजा लिया। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक, कहा कि 5 अगस्त को काला जादू फैलाने की कोशिश हुई लेकिन जनता पर नहीं चलेगा कोई जादू। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का PM पर पलटवार, कहा काला धन ना ले पाए और काले कपड़ों को लेकर मुद्दा बना रहे। पीएम मोदी ने कहा कि अगर राजनीति में स्वार्थ होगा तो कोई पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। PM के शॉर्टकट वाली राजनीति के बयान पर केजरीवाल का पलटवार, बोले अच्छी शिक्षा, अच्छी सेहत देना धोखा नहीं, अपने चुनिंदा दोस्तों का कर्ज माफ करना है धोखा। केजरीवाल का गुजरात के वोटर से बड़ा दावा, रोजगार मिलने तक युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता। केजरीवाल ने किया 10,00,000 सरकारी नौकरी का इंतजाम करने का ऐलान, कहा 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को देंगे हर महीने 1,000 रुपए। राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त से पहले सुरक्षा व्यवस्था सख्त, इंडिया गेट, मिंटो रोड और चिम्स फोर्ट पर गाड़ियों की तलाशी ली जाएगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब के अमृतसर में एक्शन में पुलिस, सुरक्षा को लेकर शहर में किया फ्लैग मार्च। पंजाब पुलिस ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की टीम गठित, प्रशासन की लोगों से अपील 15 अगस्त का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं।
गुवाहाटी में उग्रवादी संगठनों के स्वतंत्रता दिवस के बहिष्कार का ऐलान के बाद एक्शन में पुलिस, इलाके में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। यूपी के वाराणसी में बीजेपी नेताओं ने निकाली तिरंगा रैली, कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल नंदी भी रैली में शामिल हुए। लखनऊ में बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने निकाली तिरंगा यात्रा, सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोग तिरंगा लेकर हुए शामिल। ग्वालियर में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत एमपी पुलिस ने निकाली बाइक रैली, लोगों को ड्राइविंग के दौरान हेलमेट लगाने के लिए जागरूक किया। यूपी के मेरठ में तिरंगे के रंग में रंगा प्रशासनिक बिल्डिंग, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत की गई लाइटिंग। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में निकाली गई तिरंगा रैली, सैकड़ों स्कूली छात्र तिरंगा लेकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंचे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित की गई रैली। गुवाहाटी में चलाया गया हर घर तिरंगा अभियान, जिला प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली तिरंगा यात्रा। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में जवानों ने किया सेलिब्रेट, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के समीप महिलाओं और स्कूली छात्राओं ने बीएसएफ जवानों को राखी बांध मिठाई खिलाई। जम्मू कश्मीर के कनाचक बॉर्डर पर स्थानीय महिलाओं ने बीएसएफ जवानों को बांधी राखी, जवानों की लंबी उम्र की कामना की। यूपी के गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम, गाड़ियों की लंबी कतार। मध्य प्रदेश के भिंड में दो गुटों में मारपीट के दौरान फायरिंग, एक की मौत, दो लोग घायल। तिरुवनंतपुरम में पकड़ा गया एक पश्चिम बंगाल का शख्स, एक रिटायर्ड कर्मचारी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार। नुपुर शर्मा पर दर्ज सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी मामले दिल्ली पुलिस देखेगी। कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, प्रतापगढ़ से एनआईए और एटीएस ने किया गिरफ्तार। फरीदकोट पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई की दो दिन की रिमांड मिली, कपड़ा व्यापारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी का मामला। बंगाल सरकार के मंत्री फिराद हकीम का बयान, पार्थ चटर्जी पर शर्म आती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी भ्रष्टाचारी हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने राष्ट्रपति को खत लिखा, प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। एंटी करप्शन ब्यूरो का दिल्ली एलजी को खत, आप विधायक अमानतुल्ला को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में 6,000 करोड़ के घपले का लगाया आरोप, मनीष सिसोदिया ने एलजी को पत्र लिखकर सीबीआई की जांच की मांग की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कई स्कूली शिक्षा से जुड़ी प्रोजेक्ट लॉन्च किए। जस्टिस उदय उमेश ललित तो होंगे देश के 49 मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगाई मुहर। दिल्ली में कोरोना संक्रमण लगातार हो रहा है बेकाबू, पॉजिटिविटी रेट 17.8% तक पहुंचा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से 8 लोगों की मौत, 2146 नए मामले आए सामने। कोरोवैक्स को बूस्टर डोज के रूप में लगवा सकेंगे कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड ले चुके लोग, केंद्र ने मंजूरी दी। चीनी सेना ने ताइवान के पास अपने युद्धाभ्यास को बताया सफल, चीन ने श्वेत पत्र जारी कर ताइवान को मिलाने की दी धमकी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना बयान दर्ज कराया, एफबीआई ने ट्रंप के घर से 12 बॉक्स जब्त किए। मध्य यूक्रेन में रूस का हमला, स्थानीय गवर्नर ने 13 नागरिकों के मारे जाने का दावा किया। यूक्रेन का बड़ा दावा, क्रीमिया ब्लास्ट में रूस के 9 वॉरप्लेन तबाह हुए, रूस ने दावे को गलत बताया। यमन की राजधानी सना में बाढ़ का कहर, यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल ऐतिहासिक इमारतों को पहुंचा नुकसान। जर्मनी की राइन नदी पर दिखा सूखे का असर, नदी का जलस्तर तेजी से गिरने से कोयले और गैस की आवाजाही प्रभावित हुई। आरबीआई ने पुणे के रुपया को ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया रद्द, बैंक ने ना तो ग्राहकों के पैसे जमा कर सकेगा और ना ही अब उनका पैसा वापस कर सकेगा। आरबीआई ने डिजिटल लैंडिंग के नियमों को भी सख्त किया, डिजिटल लोन सीधे कर्ज लेने वालों के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे ना कि किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से। जम्मू कश्मीर बैंक के मुनाफे में 59% की बढ़ोतरी, वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में करीब 170 करोड़ का मुनाफा दर्ज। कोल इंडिया के मुनाफे में 178% की बढ़ोतरी, वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 8,834 करोड़ की कमाई। टी20 रैंकिंग में श्रेयस अय्यर ने लगाई बड़ी छलांग, 6 पायदान के फायदे के साथ 19वें स्थान पर पहुंचे सूर्य कुमार यादव, दूसरे स्थान पर बरकरार। भुवनेश्वर कुमार को रैंकिंग में एक स्थान का नुकसान हुआ, 8वें से 9वें पायदान पर खिसके, टॉप 10 गेंदबाजों में अकेले भुवनेश्वर कुमार शामिल। श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धन ने विराट कोहली का किया समर्थन, कहा कोहली के पास खराब फॉर्म से लौटने के सभी जरूरी साधन है। लॉन्ग जंपर मुरली शिशंकर मोनाको डायमंड लीग में छठे स्थान पर रहे, बर्मिंगम राष्ट्रमंडल खेलों में 8.8 मीटर छलांग लगाकर जीता था सिल्वर मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले 8 खिलाड़ियों का यूपी सरकार करेगी सम्मान, सरकार नौकरी के अलावा भी देगी और कई लाभ। गोल्ड मेडल जीतने वाले को 1 करोड़, सिल्वर मेडल विजेता को 75 और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को मिलेंगे 50 लाख, सितंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है सम्मान का समारोह। चेस ओलंपियाड में भारतीय महिला टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर रचा इतिहास, पुरुषों ने कांस्य पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 44वें शतरंज ओलंपियाड में कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई, मेजबानी के लिए तमिलनाडु सरकार की भी सराहना की। शतरंज ओलंपियाड में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली दोनों भारतीय टीमों को मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपए, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने किया ऐलान। बर्मिंगम में गोल्ड जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया, डांस भी हुआ। श्रीजा अकुला का हैदराबाद एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया, कॉमनवेल्थ गेम्स में मिक्स डबल टेबल टेनिस में जीता है गोल्ड। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से
ट्रेंट बोल्ट हुए बाहर, परिवार को समय देने और लीग मैच खेलने के लिए लिया फैसला। राष्ट्रमंडल खेलों के बाद बर्मिंघम में पाकिस्तान के मुक्केबाज लापता, जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। टीम के इस्लामाबाद रवाना होने से कुछ घंटे पहले दोनों मुक्केबाज हुए गायब, खिलाड़ियों के पासपोर्ट और सभी दस्तावेज फेडरेशन के पास। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मेग लैनिंग ने क्रिकेट से किया ब्रेक, कॉमनवेल्थ में दिलाया था टीम को गोल्ड। आमिर खान और अक्षय कुमार की आज बॉक्स ऑफिस पर टक्कर, लाल सिंह चड्ढा वर्सेस रक्षाबंधन आज बड़े पर्दे पर रिलीज। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की स्पेशल स्क्रीनिंग में सितारों की भीड़, दीपिका, रणबीर, सैफ, करीना, क्रिकेट इरफान पठान, यूसुफ पठान सहित कई हस्तियां पहुंची। लाल सिंह चड्ढा की रिलीज से पहले स्वर्ण मंदिर पहुंचे आमिर खान और मोना सिंह, वहां टेक कर आशीर्वाद लिया। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट बनाएगी आलिया भट्ट की डार्लिंग्स का तमिल और तेलुगु रीमेक, कहानी और किरदार में होगा बदला। शिल्पा शेट्टी का इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग के दौरान टूटा पैर, 6 हफ्ते तक एक्शन नहीं कर पाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।